नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस पेपर्स हम सोल्व करवा रहे हैं आपको लगातार, तो ये वीडियो नोट इसी क्रम में तीसरा है जो भी सेट एग्जाम 2012 का ही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो नोट शुरू करते हैं, इसमें आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सोल्व करते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पर, नव मार्क्सवाद का प्रेरणा स्रोत कौन नहीं है। ठीक है, चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, तो नव मार्क्सवाद का प्रेरणा स्रोत इनमें से कौन नहीं है, तो वो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे स्टालिन। स्टालिन नव मार्क्सवाद के प्रेरणा स्रोत नहीं है, जबकि तरुण मार्क्स, हीगल और रूसो नव मार्क्सवाद के प्रेरणा स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर दो, अरस्तु के अनुसार नागरिकता का आधार क्या है। अरस्तु ने नागरिकता का अधिकार क्या बताया था दोस्तों, अवकाश को नागरिकता का अधिकार बताया था अरस्तु ने। ठीक है, द बेस ऑफ सिटीजनशिप इज एज पर द एरिस्टोटल इज लेजर, मतलब अवकाश। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया। वह समाजवादी विचारक जिसने प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार का समर्थन किया हो, वो इनमें से कौन सा है, वो है दोस्तों रॉबर्ट ओवन। फोर देखिए, मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया, ये कथन किसका है। ये किसने कहा कि मैकियावेली ने हॉब्स के समान राजनीतिक निरंकुशता का सिद्धांत विकसित नहीं किया है, ये जो कथन है ये है सेबाइन का। किसका कथन है दोस्तों, सेबाइन का। प्रश्न नंबर पाँच, एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती हैं, एक सरकार की और दूसरी जनता की, निम्नलिखित में से इस विचार को प्रकट कौन करता है। मतलब एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं होती, ठीक है, दो होती हैं, एक तो सरकार की शक्ति होती है, दूसरी जनता की शक्ति होती है, ये विचार किसका है, तो ये है दोस्तों जॉन लॉक का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, नेट की परीक्षा से संबंधित, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित, और भी कोई उच्च स्तर की परीक्षा यदि आप राजनीति विज्ञान की दे रहे हैं तो उनमें ये लाभदायक होंगे। जे एस मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया। जे एस मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया, तो वो है सी एल वेपर। सी एल वेपर ने जे एस मिल को, जॉन स्टुअर्ट मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा। नेक्स्ट देखिए सातवां, मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया। कार्ल मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से किस विचार को ग्रहण किया था, तो वो विचार था दोस्तों भारी परिवर्तन का विचार। ठीक है, रेडिकल चेंज, इस थॉट को इन्होंने ग्रहण किया कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर आठ, गांधी ने किस पुस्तक में पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा। पश्चिमी सभ्यता को क्या कहा, शैतानी सभ्यता। तो गांधी जी की ये कौन सी पुस्तक है, तो ये है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के अंतर्गत गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर नौ, राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है। मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान है। यदि वीडियो नोट आपको पसंद आ रहा है, प्रश्न आपको समझ आ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, राजनीति शास्त्र को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किसके द्वारा किया गया। एक उपचारात्मक विज्ञान, ठीक है, ये कहा हेरोल्ड लासवेल ने। हेरोल्ड लासवेल ने राजनीति शास्त्र को एक उपचारात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न नंबर 11, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा जो नहीं है इनमें से, उसका हमें चयन करना है, वो है दोस्तों मार्क्सवाद। मार्क्सवाद व्यक्ति के लिए जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों ही अधिकारों को स्वीकार नहीं करती।
ठीक है, जबकि क्लासिकल उदारवाद, उपयोगितावाद और नव उदारवाद जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधाराएं हैं। प्रश्न नंबर 12, न्याय के सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं, न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जॉन रॉल्स। ठीक है, तो न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार के सिद्धांत का नहीं, वो है जॉन रॉल्स। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 13, लेनिन ने क्रांति संबंधी विचारों से सुमेलित नहीं है, मतलब लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, केवल मजदूर वर्ग ही क्रांति के लिए सक्षम है, ये सुमेलित नहीं है। जबकि नेतृत्व के बिना क्रांति चिरस्थायी नहीं हो सकती, क्रांति के लिए व्यवसायिक क्रांतिकारी जरूरी है, लोगों का समूह जो स्वाभाविक रूप से संघर्ष की ओर खिंचा आता है आंदोलन का आधार बनता है, ये लेनिन के क्रांति के विचारों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 14, राजनीति के समूहवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, प्रोपाउंडर ऑफ द ग्रुप थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्थर बेंटले। आर्थर बेंटले ने राजनीति के समूहवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 15, निरंतर क्रांति के सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन है, ठीक है, निरंतर क्रांति परमानेंट रिवॉल्यूशन इससे संबंधित विद्वान कौन है, तो इसमें आएगा माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग निरंतर क्रांति के सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नांकित में से कौन क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल कहता है या प्रेरक बल मानता है, वो है दोस्तों कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्रांति को इतिहास का प्रेरक बल मानता है, मोटिवेशनल फोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17वां, पराश्रितता सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण क्या है, पराश्रितता सिद्धांत के अनुसार तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पहला ही आंसर है इनका सामाजिक और आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 18, जो लक्षण अध्यक्षात्मक सरकार के लिए तो आवश्यक है परंतु संसदात्मक सरकार के लिए नहीं, वो लक्षण कौन सा है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 18th में 4, कार्यपालिका की निश्चित अवधि, ये अध्यक्षात्मक सरकार के लिए तो आवश्यक है परंतु संसदात्मक सरकार के लिए नहीं। नेक्स्ट देखिए 19वां, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति, संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है, कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति, व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है संसदीय शासन व्यवस्था में। प्रश्न नंबर 20 देखिए यहाँ पे, सही युग्म को हमें पहचानना है, चार युग्म दे रखे हैं, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों पहला ही, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, ये किताब है आमंड व पावेल की, ठीक है, ये इसके अंदर क्या है राइट है। नेक्स्ट देखिए 21वां, निम्नांकित में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है, कौन सी, संविधानवाद की आवश्यक शर्त निम्न में से कौन सी नहीं है, तो वो है दोस्तों नौकरशाही, नौकरशाही संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है, बल्कि सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका, नियतकालिक चुनाव, अधिकार और स्वतंत्रताएं, ये सभी संविधानवाद की आवश्यक शर्त हैं। यहाँ पे एक तरफ सूची एक्स दे रखी है जिसमें पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखकों के नाम है, सीधी सी बात है इनको मिलान करना है, तो ये हो गया मिलान प्रश्न। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है, तो देखिए एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखकों के, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दोस्तों दूसरा, मतलब पॉलिटिक्स एवं पॉलिटिक्स डिके, ये जो किताब है ये है सैमुअल हंटिंगटन की।
ठीक है, और फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच, ये ग्रेबियल आमंड की किताब है। द स्टडी ऑफ कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स, ये जो किताब है ये है मिक्रिडिस ब्राउन की। और एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये किताब हो गई फिर लूसियन पाई की। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 23, कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है। दोबारा से यही पूछा गया है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो द माइंड एंड सोसाइटी ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जबकि द रूलिंग क्लास मॉस्का इलिट एंड सोसाइटी बॉटम और द पावर इलिट सी राइट मिल्स ये यहाँ पे सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 24, निम्नांकित में से पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संस्तर था। निम्नांकित में से पूर्व सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी का निम्नतम संस्तर क्या था वो यहाँ पे हमें बताना है। तो ये है प्राथमिक दलीय अंग, प्राइमरी पार्टी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट इस वीडियो नोट का 25वां, निम्नांकित में से विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है क्या, विधि के शासन के लिए नुकसानदेह पूछा गया है, तो वो है दोस्तों न्यायिक सक्रियता, ठीक है। न्यायिक सक्रियता विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है। अमोंग द फॉलोइंग विच इज हार्मफुल टू द रूल ऑफ लॉ, ये न्यायिक सक्रियता विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये वीडियो नोट, यहाँ पे 25 प्रश्न हमने आपको दिए। वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऐसे उपयोगी नोट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।